Hey champs of class 4th, how's you all? I hope so all are very good. Dear student, today here I am going to teach you your chapter 7 sunflowers in the sea intro part. Okay dear student, हमने chapter 7 की शुरुआत previous video में ही कर ली है और हमें सबसे पहले क्या पढ़ा है, word meaning को पढ़ा है, जिससे हम सारे word meaning के जरिए अपने chapter को अच्छे से read कर सकते हैं. Okay, तो सभी बच्चों ने word meaning को अच्छे से read कर लिया होगा, learn कर लिया होगा. ओके, आज हम चैप्टर 7 सनफ्लावर्स इन द सी के इंट्रो पार्ट को पढ़ेंगे. इंट्रो पार्ट में मैं आपको समरी बताऊंगी कि आपकी स्टोरी किस चीज़ पे डिपेंड है. ओके, तो चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर 7 सनफ्लावर्स इन द सी इंट्रो पार्ट. डियर स्टूडेंट, सनफ्लावर्स इन द सी, ओके, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ सनफ्लावर्स इन द सी. यहाँ पे सी, इट मीन्स दैट समुद्र. सी मीन्स क्या होता है, समुद्र होता है. एंड सनफ्लावर्स मीन्स क्या होता है, सूरजमुखी होता है. यहाँ पे समुद्र के सूरजमुखी की बात की गई है. समुद्र के सूरजमुखी कौन है, चलिए हम देखते हैं आगे के वीडियो में. आगे के वीडियो को बढ़ाते हुए चलते हैं और समुद्र के सूरजमुखी से मिलते हैं, आप भी मिलेंगे ना, चलिए देखते हैं. डियर स्टूडेंट, द सनफ्लावर्स इन द सी कौन है, शोना. शोना, इट मीन्स दैट सी इज़ अ पार्ट ऑफ this chapter and the character of this chapter name is Shona. Shona कौन है बेटा, ये starfish है. ठीक है, और Shona को ही कहा गया है sunflowers in the sea. Sunflowers in the sea, it means that वो किस तरीके से चमक रहा है, जैसे सूरजमुखी येलो येलो चमकता है. ओके, उसी तरीके से Shona भी जो है वो सी में, समुद्र में एक सूरज की तरह चमक रहा है. तो यहाँ पे हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के जो कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर हैं, उनके नाम को पढ़ते हैं और रीड करेंगे, उनके स्पेलिंग को भी लर्न करेंगे. तो हम किन किन से मिलने वाले हैं, सनफ्लावर इन द सी. अब हम सी में जाएंगे तो सी के बारे में तो हमें जानना है कि कौन कौन रह रहा है. तो शोना इस द स्टार फिश, शोना रहते हैं वहाँ पर. किले, किले उसका क्या नाम है, क्रैब है. ओके, और एली द सी अर्चिन है. एंड एलायन द सी एनिमोन है. और कौन कौन है, फिश है. ठीक है, हमें स्टोरी में इन लोगों से मिलना है और उनकी बातें को समझना है. ठीक है, शोना द स्टारफिश, एंड किली द क्रैब, एली द सी अर्चिन, एलन द सी एनिमोन एंड फिश. ओके डियर स्टूडेंट, ये सारे कैरेक्टर जो हैं सी में आपको मिलेंगे. तो बच्चों, हम स्टोरी को थोड़ा सा समझते हैं. पहले स्टोरी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर जो है वो कौन कौन से हैं, तभी हम स्टोरी को समझेंगे. ओके डियर स्टूडेंट, बच्चों यहाँ पे जो स्टारफिश है, स्टारफिश का नेम क्या है, शोना. क्या नाम है, शोना. शोना बेटा जो है एक ब्यूटीफुल स्टारफिश है जो सी में रहती है. ओके, वो बहुत खुश रहती है. और क्यों खुश रहती है, क्योंकि जो स्टूडेंट पूल में रहती है वहाँ पे उसको रहना पसंद है. और वहाँ पे वो काफ़ी ब्राइट येलो कलर की काफ़ी हैप्पी फिश में से एक है. ओके, बट यहाँ पे सनफ्लावर्स इन द सी में बच्चों एक स्टोरी है जहाँ पे बहुत सारे सी एनिमल्स हैं, लाइक दैट किली, ठीक है, एली एंड एलन एंड मेनी फिश. ओके, तो यहाँ पे सभी एनिमल्स जो हैं सी एनिमल्स हैं वो खुश नहीं रहते हैं. क्यों नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑफ जहाँ पे जो ट्यूबवेल पूल है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आते हैं, वो रेत फेंकते हैं. ठीक है, रेत फेंकने से क्या होता है, जो पूल है उनका वो गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से और भी सारे क्रैब, इट मीन दैट अर्चिन, ओके, एलन एंड फिश जो है काफ़ी नाराज़ रहते हैं. तो आज हम स्टोरी में इतना पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टारफिश, इट मीन्स दैट शोना. क्या नाम है बेटा, स्टारफिश का क्या नेम है, शोना. शोना को बारे में पढ़ने जा रहे हैं, शोना कौन है, ठीक है, किस तरीके से एक हैप्पी कैरेक्टर है. चलिए डियर स्टूडेंट, लाइंस को देखते हैं, बुक ओपन कर लेंगे पेज नंबर 48 और हम रीड करते हैं. शोना वॉज अ ब्राइट येलो स्टारफिश दैट लिव इन अ शैलो टिडल पूल. आपने वर्ड मीनिंग में टिडल पूल पढ़ा है ना, व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ टिडल पूल, अ पूल अफेक्टेड बाय टाइड्स, द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द लेवल ऑफ द सी वाटर ट्विस्ट. ओके डियर स्टूडेंट्स, वह पूल जो टाइड, इट मीन्स दैट ज्वारीय पूल. ज्वारीय इट मीन्स दैट जहाँ पे ढेर सारे बबल्स रहते हैं. ओके, ज्वारीय पूल है.
एंड द एज ऑफ द नॉर्थ सी। बेटा नॉर्थ सी में एक पूल है, ठीक है, जहाँ पे शोना जो है ब्राइट कलर की, ब्राइट येलो कलर की स्टार फिश है जो टिडल पूल में रहती है। शी लुक जस्ट लाइक अ सनफ्लावर। वो देखने में कैसी है? सनफ्लावर जैसी। आपने देखा ना शोना को, शोना कैसी है? एज अ सनफ्लावर। ओके डियर स्टूडेंट, देन शी लुक जस्ट अ लाइक सनफ्लावर विद हर फाइव स्टार लेग्स बोरिंग आउट फ्रॉम द सेंटर मच लाइक पेटल्स। हर कलर एडेड ब्यूटी टू द पूल। शी वॉज अ हैप्पी स्टार फिश नेवर कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग। जैसे बताया था ना आपको, जो शोना है, शोना एक येलो कलर की, ब्राइट येलो कलर की स्टार फिश है। वो टिडल पूल में रहती है और बहुत खुश रहती है। ओके, उसके फाइव स्टार लेग्स हैं। ओके, और क्या है, पोरिंग इनटू द सेंटर, एंड वो पूल में बहुत ही खूबसूरत दिखती है और बहुत खुश रहती है और कभी भी कंप्लेन नहीं करती है। आज हमने शोना के बारे में पढ़ा है, कल हम सभी कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से कैरेक्टर हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आज हमने शोना के बारे में पढ़ा है, कल हम किली के बारे में पढ़ेंगे, एली, एलन एंड फिश के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, द सनफ्लावर्स इन द सी में आप इतना ध्यान से देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपका होमवर्क जो है सभी कैरेक्टर के नेम विद पिक्चर ड्रॉ करनी है। आपको शोना की पिक्चर बनानी है और कलर करना है, किले की पिक्चर बनानी है कलर करना है, एली की पिक्चर बनानी है कलर करना है, एंड एलन की पिक्चर बनानी है, एंड फिश की पिक्चर बनानी है और कलर करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। अपने होमवर्क को एंजॉय करेंगे और इसको अच्छे से अपने होमवर्क कॉपी में, इट मींस दैट इंग्लिश रीडर की कॉपी में राइट करेंगे, कलर करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अच्छे से आपको सारे पिक्चर्स को ड्रॉ करना है, उनके नेम को लिखना है और लर्न करना है। ओके डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे होमवर्क। रिमेंबर इट, राइट इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, मेक पिक्चर विद ब्यूटिफुल कलर एंड एंजॉय योर वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट, टेक योर होमवर्क एंड ड्रॉ इन योर नोट्स, राइट द फुल नेम ऑफ ऑल कैरेक्टर इन दिस चैप्टर एंड लर्न इट।